हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और ये हमारा सिविक्स का सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा और सिविक्स आपका फिनिश हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही मेंशन की है, ठीक है, ज्यादा नहीं। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे, इसकी संकल्पना, विशेषताएं, स्थानीय स्वशासन, चुनाव, भारत और विश्व में लोकतंत्र, ये सब चीजें हम इसमें आज देखेंगे। सबसे पहले अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो एक डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन ने दी है लोकतंत्र के बारे में, कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। बहुत ही फेमस ये एक परिभाषा है, ठीक है, और ज्यादातर ये परिभाषा ही मान्य है। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है उसका उद्भव कैसे हुआ? यूनानी शब्द डेमोक्राटिया, ठीक है, इस शब्द से हुआ इसका उद्भव, जो कि दो यूनानी शब्दों डेमोस अर्थात लोग और क्रेटोस यानी शक्ति से मिलकर बना है, यानी लोगों की शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र का अगर हम मतलब कहें तो लोगों के द्वारा शासन होता है, जो कि सरकार को सच्चे अर्थों में क्या देता है? वैधानिकता यानी वैध बनाता है, वैध शासन, ठीक है, और जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा शासन जो कि जिसमें विधायिका भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी कारण हम आज लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप देखते हैं। जैसे कि उत्तर कोरिया की बात करें, इसमें अधिनायकवादी लोकतंत्र, पाकिस्तान और तुर्की की बात करें, इसमें इस्लामिक लोकतंत्र, और अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र, और भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर संसदात्मक या संसदात्मक लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो है ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें कहा जाता है कि जनता का शासन है। तो जनता का तो शासन है, लेकिन इसके साथ एक और विचारधारा जब जुड़ जाती है तो वहां का जो पद्धति होती है शासन करने किसी भी देश की बदल जाती है। जैसे कि पाकिस्तान और तुर्की में इस्लाम की मान्यता है तो इस्लामिक लोकतंत्र है, अमेरिका में अध्यक्ष शासन है, इसलिए अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, भारत में संसद इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर संसदात्मक लोकतंत्र है। भारत सरकार के संसदीय स्वरूप के साथ एक संप्रभु, संप्रभु का मतलब होता है जिसपे किसी बाहरी क्षेत्र का कोई भी अधिकार नहीं होता, ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जो एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में कैसा है? संघीय है, यानी हमारी विशेषता कैसे? एकात्मक, हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं लेकिन फिर भी संघ में बटे हुए हैं, ठीक है, संघात्मक शासन, संघीय व्यवस्था आपने पढ़ी लिया है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन है? प्रधानमंत्री का पद है, और प्रधानमंत्री मंत्री होगा यानी प्रधान होगा सारे मंत्रियों का। तो सारे मंत्री कहाँ पर होंगे? मंत्री परिषद में। तो एक मंत्री परिषद का गठन होगा जिसके ऊपर एक प्रधानमंत्री होगा जो किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति को, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है जो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। आगे हम बात करते हैं लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। इसमें जो शासक होता है वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, सभी को पता ही है। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा भी इसमें की जाती है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का, जिसकी एज कितनी है 18 हो चुकी है, वोट देने का अधिकार है और वोट का एक समान महत्व भी होता है। लोकतंत्र में हमेशा क्या किस चीज का ध्यान रखा जाता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में जो भी लोग आए वो सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार समान अवसर होने चाहिए। यानी एक पार्टी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, अगली बार उस पार्टी को हटाया जा सकता है, और जो लोग जो पार्टी इस वक्त अच्छा काम कर रही है उनको दोबारा से कहाँ लाया जा सकता है? सरकार में वापस लाया जा सकता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होती है, ठीक है, ये आपको पता ही है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से जो लोकतंत्र है वो काम करता है। पाकिस्तान के बारे में एक एग्जाम्पल लेते हैं। पाकिस्तान में 1999 में तख्ता पलट हो गया था, यानी सरकार सिस्टम जो है बिल्कुल चेंज हो गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मुखिया बन गए वहां पर, और बाद में खुद को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव कर सारे प्रमुख फैसले लेने के अधिकार एक ऐसी परिषद को सौंप दिए गए जिस पर सेना का प्रभुत्व था। यानी किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई वहां पर? सेना की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। चुने हुए प्रतिनिधियों को फैसले लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता अब नहीं थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये वाली बात प्रूव की जा रही है कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की जो शक्ति होती है वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अगर शक्ति जो है हमने तो ठीक तरीके से यूज किया, लेकिन जो हमारा प्रतिनिधि है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो चुने हुए प्रतिनिधियों को फैसले लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता
नहीं थी, ठीक है, मतलब प्रतिनिधियों का जो रोल है वो कैसा हो गया, बिल्कुल ही कम हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं पर पोलैंड का, पोलैंड का अगर एग्जांपल ले तो यहाँ पर क्या है, पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के दौरान, कम्युनिस्ट पार्टी ठीक है, इसके शासन के दौरान देश के महत्वपूर्ण फैसले सोवियत रूस द्वारा ही लिए जाते थे, ना कि पोलैंड की चुनी हुई सरकार द्वारा। यानी हमें राइट तो है फैसले लेने का, लेकिन उसका ठीक तरीके से क्या नहीं हो जा रहा है, प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। पोलैंड के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं चीन का एग्जाम्पल। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से क्या होना है, चुनाव होते हैं, जिसमें क्या होगा, राष्ट्रीय जन संसद जिसको कहा जाता है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार जो है वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी उन सबको लेनी पड़ती है, और सरकार क्या करती है, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है, कि केवल चुनाव करवा देना ही काफी नहीं है, चुनाव कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष भी होने चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं विशेषताओं की, ठीक है, लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष भी होना चाहिए। लेट मी सी समथिंग, यस टॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चीन के बारे में बात कर रहे थे कि वैसे तो और भी पार्टी है, लेकिन हमेशा पार्टी किसकी बनती है, सरकार किसकी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। मैक्सिको का एग्जाम्पल लें तो मैक्सिको एक देश है जहां पर 6 साल में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, वहां कभी तानाशाही या फिर फौजी शासन की स्थापना नहीं हुई, लेकिन हर बार पीआरआई नामक एक पार्टी है, एक राजनीतिक संगठन है, जिसका चुनाव जो हमेशा ही चुनाव जीता जीता जीतता ही आ रहा था। वहां विपक्षी दल थे, परंतु चुनाव पूर्ण से पहले इस पार्टी के नियंत्रण में ही सब कुछ होता था। यहाँ तक कि विद्यार्थियों को भी यह कहा जाता था कि वह अपने पेरेंट्स को कहें कि वो केवल पीआरआई को ही वोट दें। मीडिया, सरकारी मशीनरी, सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों को पीआरआई के लिए कार्य करना पड़ता था। तो एक तरीके से राइट तो है हमारे पास वोट करने का और सरकार चुनने का, लेकिन निष्पक्ष तरीके से उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे एक कंट्री है, इसमें 1980 में आजादी प्राप्त होने के बाद इस कंट्री को ज्यादातर समय रॉबर्ट मुगाबे का शासन रहा, और वह एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार से किस चीज की, मीडिया, न्यायपालिका और हर उस संस्था को दबाया जिन्होंने उनकी सरकार का विरोध किया, यानी सरकार के अगर खिलाफ बोला जाएगा तो फिर उसका दमन कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में कई बार लोगों के बुनियादी अधिकारों का भी अतिक्रमण हुआ, यानी जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनको भी उनका भी अतिक्रमण हुआ। अतः जरूरी है कि जो सरकार है वो नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का क्या करे, आदर करे, जैसे कि जीवन का अधिकार, ठीक है, उनको सोचने की, राय बनाने की और सार्वजनिक रूप से अपने विचार रखने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन सभी को बेसिक अधिकार की कैटेगरी में रखा गया है। इसी प्रकार एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इसी कारण से मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि उसे चुनाव जीता है, बल्कि अल्पसंख्यक जो समूह है उनको भी जो गारंटी दी गई है, जो भी चीजें उनके लिए बोला गया है, उस चीज का भी आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तानाशाही वाली सरकार होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन की बात कर रहे हैं, तो इनमें सभी लोगों के जो राइट्स हैं, अधिकार, उनका ध्यान भी रखना चाहिए। लोकतंत्र ही क्यों आखिर, तो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क ये है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, किसी एक नेता की वो नहीं होती, इससे क्या होती है, अस्थिरता पैदा होती है। यानी ये कहा गया नेगेटिव वे में कि अगर एक ही नेता रहेगा तो फिर स्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि नेता चेंज होते रहते हैं तो फिर काम ठीक से नहीं हो पाता। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल ही रह गया है, नैतिकता का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है, ये भी इसके ऊपर आरोप लगा है। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिसमें फैसले में देरी हो जाती है, कोई भी चीजें होती है उसमें डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो स्ट्रोंग नहीं रहती है, जो फैसले हैं उसमें बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहस और चर्चा ही इतनी ज्यादा हो जाती है चीजों के ऊपर। चुने हुए जो नेता होते हैं, लोगों के हितों का पता ही नहीं होता उनको कि लोग जो है वो चाहते क्या है, चुनकर तो आ गए हैं लेकिन लोग क्या चाहते हैं उनको इस चीज से कोई भी मतलब नहीं होता, और बार बार उनके फैसले कैसे होते चले जाते हैं, खराब ही हो जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए भ्रष्टाचार भी बढ़ता जाता है, क्योंकि फिर बाहरी सपोर्ट मिलेगा, और बाहरी सपोर्ट मिलेगा तो फिर उन्हीं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, इसलिए किसी भी चीज का फैसला करना इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोगों की जो राय है वो ठीक तरीके से नहीं बन पाती है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हम कहें तो लोकतंत्र ठीक क्यों है, क्योंकि
दूसरों से बेहतर पद्धति है ये, क्योंकि शासन का अधिक जवाबदेही स्वरूप ये है, यानी हम एक व्यक्ति को चुनते हैं जो कि पूरे देश को देखेगा, अपनी सरकार को ठीक तरीके से चलाएगा, तो वो हमारे प्रति क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है, रिस्पॉन्सिबल है वो इस चीजों के लिए, इन चीजों के लिए, क्योंकि हमने उसको चुना है तो वो जवाबदेह है कि हम भी उसकी, वो हमारे लिए काम करेगा। तो लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध है। लोकतंत्र जो है वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, और लोकतंत्र में धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता है। हालांकि एक्सेप्शंस हर जगह हैं, हर चीजें हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब खामियों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को भी देखते हैं। लेकिन अगर हम पक्ष में तर्क करें तो फिर भी इन सब चीजों का सम्मान किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें अपनी जो गलती होती है उसे ठीक करने का अवसर भी मिलता है। अगर एक पार्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसको अगली बार बदल दिया जाएगा। ठीक है, स्थानीय शासन देखते हैं, यानी आपका जो लोकल गवर्नमेंट है टॉपिक अब वो शुरू हो गया है यहाँ पर। गांव और जिला स्तर के शासन, वैसे तो हमने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है सभी ने, लेकिन फिर भी इसको हम जो मेन डिटेल्स है वो देख लेते हैं यहाँ पर। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। हमने देखा था संघीय सरकार में कि एक केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे फिर राज्य सरकार होती है, और फिर होती है आपकी नगर पालिका या फिर पंचायत। तो यहाँ पर हम पंचायत की बात करेंगे, यानी लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी बात करेंगे। यह जो है आम आदमी को सबसे नजदीक का शासन कहलाता है। इसमें जनता की जो प्रतिदिन की समस्या होती है उनके समाधान के लिए काम किया जाता है। भारत में स्थानीय शासन का विकास, प्राचीन भारत में इसके बारे में गांधी जी ने, पंचायती राज के बारे में गांधी जी ने भी अपने विचार रखे थे। खुद चलाने वाला समुदाय, यानी इसको सभा भी बोला जाता था। आधुनिक यानी अगर मॉडर्न टाइम में बोले तो इसको निकाय कहा जाता है। 1882 के बाद यह अस्तित्व में आया, उस वक्त उन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था। 1919 की बात करें तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनी। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का जो विषय है वो प्रदेशों को ही सौंप दिया गया। संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। लेकिन जब बात ये हो रही है कि जब संविधान बना था तो इसको इतनी स्ट्रिक्टली तरीके से नहीं देखा जाता था, स्थानीय शासन वाले पार्ट को। लेकिन संविधान के 73वें और 74वें जो संशोधन हुए उसके बाद स्थानीय शासन को मजबूती मिली और इसका जो आधार है वो काफी स्ट्रॉन्ग हुआ। 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय यानी थ्री लेवल का एक पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई और इसकी एक सिफारिश की गई। ये निकाय क्या है, वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्र सरकार पर निर्भर थे। ठीक है, वित्तीय मदद के लिए यानी पैसे से रिलेटेड मदद के लिए, अगर इनको कोई काम करना है तो पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए उस पर्टिकुलर राज्य या प्रदेश से या फिर केंद्रीय सरकार पर इनकी डिपेंडेंसी बनी ही रहती थी। सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं उनको पुनरावलोकन की शुरुआत इनके बारे में मतलब शुरुआत हुई, यानी इनके बारे में दोबारा से सोचा गया। ठीक है, 1989 में पी के डुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश करी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट संविधान का 73वां संशोधन है और 74वां संशोधन, तो 1992 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि कौन सा संशोधन हुआ था। 1992 में हुआ था संसद का 73वां और 74वां संशोधन, संविधान संशोधन, और 73वां संशोधन गाँव के स्थानीय शासन से जुड़ा था, यानी ग्रामीण से जुड़ा था, और इसका संबंध पंचायती राज से है। तो सीधा क्वेश्चन है कि 73वां संशोधन किससे रिलेटेड है, पंचायती राज व्यवस्था से, और 74वां संशोधन है शहरी स्थानीय शासन से। ठीक है, 74वां गांव के स्थानीय शासन से रिलेटेड है और 74वां शहर के स्थानीय शासन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, 73वां जो संशोधन है उसके कुछ प्रावधान इस तरीके से है। पहली बात तो यही है कि त्रिस्तरीय ढांचे की यहाँ पर बात की गई है। अगर चुनाव की बात करें तो तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। हर निकाय की अवधि कितनी होती है, 5 साल की होती है। आरक्षण की बात करें तो महिलाओं के अलावा अनुसूचित जाति और उनकी जनसंख्या के आधार पर किस क्या मिलता है, सीट भी रिजर्व है। हालांकि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग ओबीसी की भी सीट यहाँ पर रिजर्व है, आरक्षित है, और ये प्रदेश के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी सीट कहाँ पर रख सकता है। इस आरक्षण का लाभ यह हुआ कि जो महिलाएं हैं अब उनकी भी भागीदारी इसमें बढ़ी है और सरपंच के पद पर वो कार्य कर सकती हैं। भारत के अनेक प्रदेशों में आदिवासी जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उसमें 73वें संविधान के प्रावधानों से उनको दूर रखा गया। कहा, आदिवासी एरिया को भी 73वें संविधान से दूर रखा गया, लेकिन 1996 में एक अलग कानून बना
जिसमें कि पंचायती राज के प्रावधान में इन क्षेत्रों को भी इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन, ये रिलेटेड था शहर के स्थानीय शासन से, यानी शहर में जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं या फिर चीजें होती है, काम होते हैं उनको करने के लिए शहर में स्थानीय शासन है, जिसको क्या बोला जाता है, नगर पालिका। आप इलेक्शन देते हैं ना, अगर दिल्ली में तो MCD और मुंबई में, मतलब अलग अलग हर किसी का अपना अलग कॉर्पोरेशन होते हैं, नगर पालिका होती है। तो 74वां संविधान संशोधन में प्रमुख शहरों में जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और मद्रास और अन्य शहर जहां पर नगर पालिका या नगर निगम का प्रावधान है, वहां पे इसको लाया गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उस नंबर के थ्रू ही डिसाइड होता है कि ये पंचायत कहलाएगी या फिर नगर पालिका। ठीक है, अगर उस प्रदेश में उतने से ज्यादा लोग हैं तो वो नगर पालिका हो जाएगी, यानी शहरों में मेनली जिसको शहर कहते हैं वहां पर नगर पालिका है। प्रत्येक नगर निगम के लिए सभी व्यस्त मतदाताओं द्वारा चुनी गई एक सामान्य परिषद होती है और इन चुने हुए सदस्यों को पार्षद या फिर काउंसिलर कहते हैं। ठीक है, पार्षद आपने सुना होगा, पूरे नगर निगम में चुने हुए जो सदस्य हैं अपने एक नगर निगम का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और लास्ट में उसको क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। तो 74वां जो संविधान संशोधन है उसके अनुसार प्रत्येक नगर निगम या फिर नगर पालिका या फिर नगर पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। नगर निगम या फिर इसको क्या कहते हैं, नगर पालिका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्योंकि एक और हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आ गया जहां पर चीजें होंगी, काम होंगे, तो उसके विषयों का स्थानांतरण हो गया। जैसे कि संशोधन में 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया गया था। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित हैं। स्थानीय शासन के विषय की अगर बात करें 11वीं अनुसूची में, तो इसमें सड़कें, ग्रामीण विकास, लघु उद्योग, सिंचाई, बाजार, मेला, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि, शिक्षा, पेयजल जैसे जो विषय है वो शामिल है। ये सारे सब्जेक्ट उसमें शामिल है, यानी इनको पंचायत देख सकती है। चुनाव लोकतंत्र का एक अगला हमारा टॉपिक आ गया, चुनाव। स्थानीय शासन खत्म हो गया, अब आ गया चुनाव। चुनाव जो है लोकतंत्र का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि चुनाव ही वो होते हैं जिनके थ्रू हम अपने जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको क्या करते हैं, सरकार का वो मिलकर वो गठन करते हैं और बाकी कामकाज को भी संभालते हैं। भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होता, इलेक्शन से काफी टाइम पहले ही इस बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभाएं क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, और फिर से चुनाव क्षेत्रों में होने वाला चुनाव, इसको ही हम बोलते हैं आम चुनाव, यानी जनरल इलेक्शन। ठीक है, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या फिर इस्तीफे से होने वाली जो सीट है खाली, जब वो खाली हो जाती है, तो उसके लिए उपचुनाव जो होता, जो चुनाव कराया जाता है उसको बोलते हैं उपचुनाव। ठीक है, न्यूनतम शर्तें इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो हर किसी को मताधिकार मिला हुआ है। यहाँ पर चुनावों के लिए हमारे पास विकल्प है कौन सी पार्टी को हमें वोट करना है। नियमित अंतराल पर अवसर मिलता रहता है सभी को। वास्तविक चुनाव है ये, और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं। चुनावों की घोषणा होती है, प्रत्याशी जो होते हैं उनका चयन किया जाता है, नामांकन पत्र भरना होता है जिसमें सारी की सारी फॉर्मेलिटीज अपनी देनी होती है, चुनाव होता है, चुनाव चिन्ह का आवंटन, चुनाव चिन्ह जो होते हैं वो मिलते हैं, और राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र भी जारी होता है जिसमें की कुछ क्या होता है, उनकी नीतियां होती है, उनकी पॉलिसीज, कुछ कार्यक्रम होते हैं। चुनाव अभियान चलाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें जाना है, कहाँ कहाँ पर रैली करनी है, क्या क्या लोगों से बोलना है। मतदान होता है, मतों की गणना यानी वोट्स की जो है वो गिनती होती है, इसके बाद फिर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। हम कुछ एक चीज देखेंगे चुनावों से रिलेटेड। हमारे देश में सभी को पता है बहुत सारे दल हैं और सभी दलों को अधिकार है कि वो आपस में अपनी पॉलिसीज लोगों को बता सकते हैं, और फिर उन पॉलिसीज के अनुसार ही क्या होता है, प्रतिस्पर्धा या मीन यानी कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। जितने भी राजनीतिक दल है अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं और फिर लोग क्या करते हैं, उन पॉलिसीज को देखकर वोट देने जाते हैं, और फिर में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इसलिए बनी रहती है क्योंकि चुनावों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इसलिए बनी रहती है क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है। चुनावी प्रतियोगिता के दोष अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोष ये होते हैं कि कई बार गलत तरीके से चीजें हो जाती हैं, सही तरीके से इन चीजों को यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, धांधलेबाजी होने के चांसेस वैसे तो होते नहीं है, पर फिर भी EVM में छेड़छाड़ या फिर पैसे देकर वोट दिए जाने वाली समस्या भी देखने को मिलती है। चुनावी प्रतियोगिता के गुण अगर हम बात करें तो गुण में यही होगा कि सभी को प्रॉपर राइट होता है कि कोई भी पार्टी आ सकती है यहाँ पर और अपना
सारी फॉर्मेलिटीज फिल करने के बाद वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकती है, अपनी जो नीतियां हैं वो सबको बता सकती है, इसके अलावा जो भी उन्होंने कार्यक्रम सेट किए हैं उसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब फ्री होती है बिल्कुल। तो भारत में अगर चुनाव की बात करें तो हर 5 साल में होता है जो जिसको हमें कहते हैं लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव, ये होता है पीएम सेलेक्ट करने के लिए, होता है सीएम सेलेक्ट करने के लिए। निर्वाचन क्षेत्र या फिर सीट, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। चुनाव हम टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा सा मैं सिर्फ डिटेल ही दे रही हूँ यहाँ पर। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या फिर सीट भी कहते हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें 543 सीटें हैं, जिसमें एससी एसटी ओबीसी की सीट अलग होती है, अनुसूचित जातियों के लिए 84 है और जनजातियों के लिए 47 सीट भी आरक्षित है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर चांदनी चौक है। मतदाता सूची की अगर बात करें तो वोटर लिस्ट, तो यहाँ पर योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची ही कहा जाता है, यानी आपके घर पर वोट डलने से पहले लिस्ट आती होगी कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं, यानी जो वोटर्स है मतदाता है उनका लिस्ट में नाम है या नहीं। मतदान के लिए योग्य आयु, तो आप सभी को पता है 18 साल की उम्र चाहिए इसके लिए, मतदान की योग्यता की आयु है 18 साल, और उम्मीदवार बनने की जो उम्र होती है वो है 25 साल। टिकट होता है, पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं, यानी पार्टी की तरफ से हम खड़े हो रहे हैं तो टिकट की जरूरत हमें पड़ेगी। चुनावी नारे जैसे कि गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने, लोकतंत्र बचाओ जनता पार्टी द्वारा, और जमीन जीतने वाले को वामपंथी दल ने, और तेलुगु स्वाभिमान तेलुगु देशम पार्टी ने नारे दिए। तो ये पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए कुछ नारे हैं। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग बड़े अच्छे से पढ़ा है हमने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, चुनाव भारत में संपन्न कराने के लिए काफी सारे इसके काम होते हैं, और इसका मेन पर्पज ये होता है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से करा दिए जाए। इसलिए चुनाव आयोग जो है वो अलग अलग जो है नियम कानून बनाते हैं और जो पार्टीज होते हैं उनकी निगरानी भी रखते हैं। चुनाव आयोग के अधिकार की बात करें तो ये अधिसूचना जारी करने का काम होता है, और नतीजो यहाँ से शुरू होकर नतीजे जारी करने तक इसका काम पूरा चलता है, पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है चुनाव की। इसके अलावा आदर्श चुनाव आचार संहिता, यानी क्या क्या चीजें होनी चाहिए चुनाव के टाइम पे, उसको भी ये लागू करता है, और इसका उल्लंघन करने वाले को दंडित भी किया जाता है, यानी पार्टियों को बोल दिया जाता है कि आपको इसका उल्लंघन नहीं करना है। जैसे कि कितने घंटे पहले आप चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते, आप क्या क्या चीजें नहीं कर सकते, पूरे नियम कानून दिए होते हैं। चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश भी देना होता है, सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी काम काज भी लेना है, जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुए हैं वहां पर दोबारा चुनाव करवाना भी इसी का काम है। भारतीय चुनाव आयोग के सामने अगर चुनौतियों की बात करें तो ज्यादा रुपए पैसे वाले जो उम्मीदवार हैं वो गलत तरीकों का यूज कर लेते हैं, ठीक है, और पार्टी की गलत तरीकों पर रोकथाम, इसलिए उस पर रोकथाम करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है इलेक्शन कमीशन का। आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जो उम्मीदवार होते हैं उन पर भी लगाम लगाना बहुत जरूरी होता है। पारिवारिक संबंधों की बुनियादी यानी भाई भतीजावाद, जो मेरा रिलेटिव है उसी को आगे लेके आना, उसको टिकट दिलवाना है, इस तरीके की बात भी देखने को मिलती है, इसकी रोकथाम भी जरूरी है। मतदाता को चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों से भी निपटना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाते हैं। आचार संहिता के मुख्य प्रावधान क्या है, चुनाव के प्रचार के लिए कुछ धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी वाहनों विमानों और सरकारी अधिकारियों को चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फिर वो हो जाएगा ना, सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, सरकारी चीजों को इन्वॉल्व नहीं करना है। चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट अपना जो टॉपिक है, विश्व की विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली, यानी हमारा जो टॉपिक है वो लोकतंत्र भारत में और विश्व में है, तो कुछ और विश्व के देशों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। राजशाही क्या होता है, जहाँ पर राजा का शासन होता है, ठीक है, सऊदी अरब, ब्रुनेई और यूएई में अभी भी राजतंत्र है, और यूरोपीय देशों में औपचारिक रूप से राजतंत्र को बनाए रखा है परंतु शक्तियों को सीमित कर दिया गया है, ठीक है, राजतंत्र होने के बावजूद भी कहना की शक्तियों पर अंकुश रखा गया है। इन देशों में लोकतांत्रिक सरकारी अस्तित्व में, लोकतांत्रिक सरकारी या सरकारी अस्तित्व में तो है, जैसे कि ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है। पुर्तगाल में आपको पता है ना, क्वीन एलिजाबेथ के बाद, अब तो खैर डेथ हो गई है, इसके बाद भी फॉर्मेलिटीज भी दरबार लगा है, और ये सब जो कंट्रीज है यहाँ पर बात हो रही है कि लोकतंत्र तो है लेकिन वहां पर रिपब्लिक अभी नहीं है, ब्रिटेन की स्पेशली बात कर रही हूँ। नेक्स्ट है गणतंत्र, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है,
लोगों के द्वारा, और यूएसए आधुनिक युग का पहला गणतंत्र है। भारत और यूएसए गणतंत्र का क्राउन वंशवाद है, यानी यहाँ पर गणतंत्र देखने को मिलता है। तानाशाही आपको पता ही, इसमें समस्त शक्तियां उसके पास ही होती है। अफ्रीकी देशों में यह प्रणाली प्रचलित है, दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर। नेक्स्ट है साम्यवाद। ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जो साम्यवादी शासन में बिलीव करते हैं, और ये लोकतांत्रिक चुनाव नहीं, जहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते। कम्युनिस्ट पार्टी की ही सर्वसर्व होता है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ही मेन पार्टी होती है, और अगर कोई और भी पार्टिसिपेट करता है पर ये पार्टी ही ज्यादा वोटों से जीतती है। जनता को मात्र स्थानीय स्तर पर ही मतदान का अधिकार दिया जाता है। वर्तमान में चीन, वियतनाम, क्यूबा में यह शासन प्रणाली व्याप्त है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र, यानी जनता का शासन। जिस देश में जनता को शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है, उसी में ही स्वयं शासन वो चलाती है, और उस देश में प्रजातंत्र की व्यवस्था उसको उस देश में ही मानी जाएगी। सैनिक शासन सभी को पता है, अगर जनतंत्र असफल हो गया तो कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं पूरे देश पर, और फिर धीरे धीरे सैनिक रूल जो है वो लागू कर देते हैं, जो असामाजिक ताकतें सैनिक शासन के दौरान बलपूर्वक दबा दिया जाता है। लोकतंत्र की बात करें तो एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं और शासक लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। लोकतंत्र के लिए संघर्ष। लोकतंत्र की स्थिरता और उसमें टिकाऊपन को संदेह बना रखा है। मतलब लोकतंत्र वैसे तो एक अच्छा तंत्र देखा जाता है, लेकिन क्या ये सच में वाकई में टिकाऊ है, क्या इसमें स्टेबिलिटी है, इसके ऊपर हमेशा संदेह लगा रहता है। जैसे कि चिले की बात करें तो चिले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक इम्पोर्टेंट देश है। चिले की बात करें, सल्वाडोर आयते चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कौन? आयते। और इन्होंने 1970 के जो राष्ट्रपति चुनाव है उसमें जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले नए कार्यक्रम भी शुरू करवाए, जिनमें से कुछ इस तरीके से हैं। तो इन्होंने क्या क्या कार्यक्रम चलाए थे? सल्वाडोर आए थे, इन्होंने चलाए थे शिक्षा प्रणाली में सुधार, इसके अलावा बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, और भूमिहीन किसानों के बीच जमीन का पूरा विवरण, विदेशी कंपनियों द्वारा देश में तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने पर रोक लगाई थी। लेकिन उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सराहा, और राजनीतिक पार्टियों ने पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा बात करें 11 सितंबर 1973 को फौज में उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। आपको पता ही है जो फौज है वो बिल्कुल उसको ऑर्डर दे दिए गए थे। ठीक है, 1973 का सैनिक तख्ता पलट क्या हुआ था? 17 सितंबर 1973 की सुबह को नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा किया और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। जब वे अपने कार्यालय पर पहुंचे, ऑफिस पहुंचे, तो सेना के अधिकारियों ने राष्ट्रपति आयते से पद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, कहा कि मैं ये देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद फौज ने क्या किया, राष्ट्रपति निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने शुरू कर दिए। तो फौजी हमले में राष्ट्रपति आयते की मौत हो गई। ठीक है, मतलब जो इंसान अच्छा काम कर रहा था लेकिन उनको दूसरे लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई। इस सैनिक तख्तापलट अगुवाई में जनरल ऑगस्टो पिनाशे ये कर रहे थे, मतलब ये जो अगुवाई है ये किसके कारण हो रही थी? ऑगस्टो पिनाशे। अमेरिका की सरकार आयदे के शासन से खुश नहीं थी। ठीक है, उन्होंने तख्तापलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की थी। ऐसे ही होता है, एक कंट्री जो है वो किसी दूसरे कंट्री की हेल्प से ही सारे काम करती है। और इसके बाद क्या हुआ, पिनोशे जो है मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक राज किया। एक लोकतांत्रिक सरकार से चिले में सैन्य तानाशाही की स्थापना हुई, और पिनोशे की सरकार ने आयदी के समर्थकों को और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया और उनकी हत्या की। यही होती है, यही होता चला आया है कि अगर एक रूलर है, लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं और उसको किस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है, तो उसके सपोर्टर्स हैं उनका भी दमन कर ही दिया जाएगा। नहीं तो वो अपनी जो विचारधारा है वो बदल ले, अगर विचारधारा नहीं बदलेंगे तो उनका दमन हो जाएगा। लोकतंत्र की वापसी। अब चिले में देखा ये सब चीजें हुई थी। पिनोशे जो थे उसका सैनिक शासन 1988 में समाप्त हो गया जब उन्होंने जनमत संग्रह कराया, यानी वहां पर लोगों के मत लेने की बात हुई। उन्हें भरोसा था कि शासन में जारी रखने के लिए उनके पक्ष में ही मतदान होगा। लेकिन चिले के लोगों ने क्या किया, लोकतांत्रिक परंपरा को अब तक भूले नहीं थे और सिर्फ एक मौके के चक्कर में थे। उन्होंने भारी बहुमत से पिनाशे की सत्ता को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। इस प्रकार चिले में राजनीतिक स्वतंत्रता क्या हुई, बहाल हुई, राजनीतिक स्वतंत्रता आई। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका भी खत्म होती चली गई। बाद में आई सरकारों ने पिनोशे के जो रूल था उसमें जो गड़बड़ियां थी उसकी जांच कराने के आदेश भी दिए थे। इन जांचों से पता चला कि जो पिनोशे है उसने सिर्फ क्रूर ही नहीं बल्कि भारी भ्रष्टाचार भी किया था। तो जनवरी 2006 में राष्ट्रपति आयंदे की बेटी जो पहले थे ना
जिनको मार दिया गया था, उन्हीं की बेटी मिशेल बैशेल जो थे बैशेले चिले के राष्ट्रपति बनी। हालांकि वालेशा ने इसकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की जो सरकार है पहले से कमजोर थी और सोवियत संघ से मदद की भी पहले जैसे भरोसा अब नहीं रहा था और अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट भी आ रही थी। अप्रैल 1889 में लेक वालेशा के साथ समझौता वार्ता कर एक दौर चला और स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग भी मान ली गई। अब सोलिडेरिटी ने सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर सफलता उसको प्राप्त हुई। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए जिसमें से एक से ज्यादा दल हिस्सा ले सकते थे, क्योंकि दल तो ये होता था ना, एक ही दल है इम्पोर्टेंट। लेक वालेशा को पोलैंड का फिर राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, लोकतंत्र की दो विशेषताएं, इसमें क्या विशेषताओं में क्या देखेंगे हम, सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश का शासन करना चाहिए और दूसरा है लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी, संगठन बनाने की, इसके अलावा विरोध करने की आजादी भी होनी चाहिए। लोकतंत्र के तीन नक्शे में हम देखेंगे, 1900 तक विश्व में कुछ ही लोकतांत्रिक शासन वाले देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, 50 तक आते आते और भी उपनिवेश थे वो जिनको आजादी मिली वो भी इसके साथ जुड़ गए, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार जैसे देश। 75 तक अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी जबकि बहुत सारे जो देश थे उसमें लोकतांत्रिक सरकार का तानाशाह उखाड़ फेंका गया था। 2000 तक आते आते अधिक देश लोकतंत्र का अनुसरण करने लगे और सोवियत संघ के विघटन तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों का समर्थन मिलने से लोकतंत्र के लिए मार्ग खुल चुका था। ठीक है, नेक्स्ट, लोकतंत्र विस्तार के विभिन्न चरण। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। सबको पता है 1779 की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसमें क्या हुआ था, 789 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की बात की गई थी, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में अलग अलग तरीके से लोकतंत्र को प्रमोट किया था और संघर्ष की बातें भी बताई थी। 18वीं-19वीं सदी में राजनीतिक घटनाक्रमों में राजशाही और सामंत वर्ग की स्थिति भी खत्म होने लगी थी। 1776 में उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने खुद को क्या कर लिया था, आजाद घोषित कर लिया था और साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का वहां पर क्या किया, गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया और इस व्यवस्था में भी मतदान का जो है अधिकार वो सिर्फ पुरुषों को ही दिया गया। आप सभी को पता है राइट टू वोट की अगर बात होती है तो इसमें सबसे पहले पुरुषों को अधिकार दिया गया था, उनमें भी वो जिनको प्रॉपर्टी जिनके पास थी। ठीक है, धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी वाला वर्ड हटा दिया गया, सिर्फ पुरुषों को अधिकार मिला, उसके बाद फिर महिलाओं को भी अधिकार मिला। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले सभी वयस्कों, औरतों, मर्द, अमीर गरीब, श्वेत अश्वेत, गोरे काले, किसी भी तरीके की मतभेद करने की भेदभाव करने की उन्होंने बात बोली कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इन सभी को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। तो इन सबकी डिमांड जो है वो इस चीज को लेकर तेज हो रही थी। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या फिर सार्वभौम अधिकार का की संज्ञा दी गई। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देशों में सबसे पहले आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशवाद वो सिचुएशन होती है जब एक देश दूसरे देश पर कंट्रोल कर लेता है और वहां के जो संसाधन है उन्हें पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश करता है या फिर अपने तरीके से यूज करने की कोशिश करता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद अनेक देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली थी, जबकि कुछ देशों में क्या हुआ था, लोकतांत्रिक समय तक कायम ही नहीं रह सकी, लोकतांत्रिक व्यवस्था उस समय तक कायम ही नहीं रह सकी। पश्चिमी अफ्रीका का जो देश है घाना, वो ब्रिटिश उपनिवेश था, इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि ये जो है किसका उपनिवेश था और इसका पहला नाम क्या था। 1957 में एक देश आजाद हुआ, यह अफ्रीका का सबसे पहले आजादी पाने वाला देश था। इसमें अनेक अफ्रीकी देश और देशों को आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। आजादी के बाद एना क्रूमा जिन्होंने घाना की आजादी की लड़ाई के लिए सक्रिय भूमिका निभाई थी, घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर क्या बने, राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया था, यानी खुद को इलेक्ट करवा लिया था, लेकिन थोड़े समय बाद 1966 में सेना ने उनका क्या कर दिया था, तख्तापलट कर दिया था। लेकिन घाना की तरह अधिकांश अफ्रीकी देशों का रिकॉर्ड कमोबेश इसी तरह का रहा है, मतलब जो निष्पक्षता की बात होती है वो कम ही देखने को मिलती है। हाल का दौर की बात करें तो लोकतंत्र जो है वो सभी मोस्टली देशों में है और ज्यादा तेजी से ये आगे बढ़ रहा है। 1980 के बाद से ये शुरू हुआ था। सोवियत संघ के बिखराव के बाद तो प्रक्रिया और भी तेज हो गई थी। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे जो स्वतंत्र देशों के रूप में अपने सामने आए और जिनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपनाया।
लैटिन अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ के जो कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली की बात करी, और 1990 के दशक में पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सैनिक शासन की जगह कौन सा शासन आया था? लोकतंत्र ही आया था, ठीक है। लेकिन यह बदलाव स्थायी नहीं था, यानी परमानेंट नहीं था। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम कर लिया। नेपाल की बात करें तो राजा ने अपने अनेक अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंप दिए थे और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे। 2005 की बात करें तो 2005 में नेपाल के नए राजा राजा ने नेपाल की बात ही हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया था और पिछले दशक के लोगों को दी गई राजनीतिक आजादी को समाप्त कर दिया था। फाइनली क्या हुआ, वहां पर भी लोकतंत्र हमें बाद में देखने को मिला और संविधान भी आ गया था। 1947 में भारत, 1948 में श्रीलंका और पड़ोसी देश म्यांमार औपनिवेशिक शासन से उन्होंने छुटकारा पाया और लोकतंत्र को उन्होंने अपनाया। 62 में सैनिक तख्ता पलट से लोकतंत्र का क्या हुआ, अंत हुआ। 1990 में आंग सान सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते थे। लेकिन आन सू ची जो है, आंग सान सूची के बारे में आपको सर्च करना है नेट पर, ठीक है। परंतु ये क्या था कि इसको जेल भेज दिया गया था, तो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद बहुत आगे आई फिर ये, ठीक है। म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया था और चुनाव परिणामों का मान्यता ही नहीं दी थी, ठीक है। उन्होंने सूची समेत चुने हुए जो लोकतंत्र समर्थक थे नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था और उन्हें उनके घर में ही नजरबंद भी कर दिया था। नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद भी सूची ने क्या किया, लोकतंत्र को छोड़ा नहीं, उस अभियान को जारी रखा और संघर्ष का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता उसको मिली। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। सन 1905 तक करीब 140 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए गए थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकतांत्रिक देश में एक ही कंट्री नहीं होती, चुनाव लड़ने वाली काफी सारी कंट्रीज होती है ताकि सभी को इक्वल राइट मिल सके। यह संख्या पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं थी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही आया था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद आया था लीग ऑफ नेशन, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर आया था संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसका काम क्या था, एक वैश्विक संगठन है, वर्ल्ड लेवल पर है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून सुरक्षा और निकाय, आर्थिक निकाय, सामाजिक समता के मामले में चीजें देखता है और पूरी जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज सबकी हेल्प करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव उनके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न देशों के बीच सुरक्षा शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी देती है। यह एक अंतरराष्ट्रीय शांति दास्ता बनाकर गलती करने वाले के खिलाफ भी काम करती है। IMF यानी राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अब पूरे देश में पैसे की जरूरत तो किसी को पड़ सकती है, तो ऐसे सरकार को पैसे देने की जरूरत होती है तब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जो है वो सरकार को ऋण देते हैं। उधार देने से पहले सरकार जो है संबद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने लगती है उसको, और उनकी आर्थिक नीतियों के बदलाव का निर्देश भी देती है। मतलब अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो जो हमें पैसे दे रहा है, हम जो भी काम करेंगे उस काम को करने पर उसका असर तुम्हें देखने को जरूर ही मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मामला 193 के मेंबर, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि इस वक्त कितने मेंबर हैं और इसका लास्ट जो मेंबर है वो कौन बना, ठीक है। एक एक वोट मिला हुआ है। महासभा का स्वरूप ये, क्योंकि इसमें काफी पुराना डेटा है, ठीक है, तो इसको जल्दी से अपडेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि संयुक्त राष्ट्र में अब कितने मेंबर हैं और लास्ट मेंबर इसमें कौन सा जुड़ा है और कौन से ईयर में जुड़ा है, जल्दी से बताना अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। इसकी बैठक सदस्य देशों के प्रतिनिधि द्वारा चुने हुए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है, लेकिन विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, मतलब अकेले ये काम नहीं कर पा रही है। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके 20 सदस्य महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, जिसमें 5 जो उसके परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। बाकी 15 सदस्यों का चुनाव जो है वो आम सभा 2 वर्ष के लिए ही करती है, लेकिन असली जो ताकत है वो इन 5 मेंबर्स के पास है जो कि स्थायी मेंबर है। इन स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार मिला हुआ है, यानी इनके पास एक्स्ट्रा पावर होती है, ठीक है, किसी डिसीजन को चेंज करने की या फिर उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करने की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन का मामला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन दुनिया किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली एक बड़ी संस्था है और इसमें 188 सदस्य देशों को समान मत अधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब इसमें सभी 188 सदस्य देश हैं।
सभी को इक्वल राइट्स ऐसे नहीं दिए गए हैं, ठीक है, हर किसी का अलग अलग हिसाब है। हर देश इस कोष में जितने जो धन है उसका योगदान करता है, उसी अनुपात में उसको वोट का भी वजन बढ़ जाता है। मतलब जितना पैसा तुम इन्वेस्ट करोगे उतना ही पैसा, उतना ही तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रहेगा। मुद्रा कोष में 52% से अधिक वोटों का सिर्फ 10 देश यानी अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरब, कनाडा, रूस का ही अधिकार है। बाकी 178 देश इस संगठन के फैसले को प्रभावित करने की स्थिति में ही नहीं है। हालांकि भारत जो है अब उसका नाम भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है, देखते हैं आने वाले टाइम में और क्या हो सकता है। विश्व बैंक का मामला, विश्व बैंक में भी वोटिंग की ऐसी ही प्रणाली है। अध्यक्ष जो है हमेशा कोई अमेरिकी नागरिक ही होता है, जिसका मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री करते हैं। मतलब वही वाली बात है, जो प्रभुत्व है वो तो बड़ी ही कंट्री अपने पास रखती है। भारी समर्थन का सवाल अगर बात करें तो इराक पश्चिमी एशिया का एक ऐसा देश है जो 1932 में ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ था, और बात पार्टी नेता सद्दाम हुसैन ने 1968 में तख्ता पलट में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उसी से यह पार्टी सत्ता में आई थी। इस सरकार ने पारंपरिक इस्लामी कानून को हटाया और औरतों को उनके ऐसे अधिकार दिए जो अन्य पश्चिमी देशों में कहीं भी उनको नहीं दिए गए थे। 1979 में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही शासन चलाया और शासन का विरोध करने वालों को सख्ती से भी दमन उनका किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन आदि उसके सहयोगी देशों में आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार है और जनसंहार के लिए ये सब हथियारों को तैयार किया जा रहा है, जिससे दुनिया को खतरा है। मतलब अमेरिका और ब्रिटेन ने उसमें इन्वॉल्वमेंट जब किया था तो उसके ऊपर ये बोला था कि हमने इन्वॉल्वमेंट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने गुप्त ठिकाने बनाए हुए सीक्रेट। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र ने ये जांच करने के लिए विशेषज्ञ टीम भेजी इराक में, तो उसे टीम को कोई भी ऐसे हथियार वहां पर नहीं मिले। फिर भी अमेरिका और उसके साथी देशों ने हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। अमेरिका ने अपनी पसंद की अंतरिम सरकार बनाई, यानी अमेरिका ने अपना वर्चस्व चलाया, क्योंकि अमेरिका कहाँ पर था, संयुक्त राष्ट्र में बैठा हुआ था इम्पोर्टेंट रोल लेकर अपना, और तर्क दिया कि देश में तानाशाही जो शासन है उसको लोकतांत्रिक सरकार की जरूरत है, तुम तानाशाही को लोकतांत्रिक सरकार में बदल देंगे। इराक के खिलाफ युद्ध को सुरक्षा परिषद ने भी मंजूरी नहीं दी थी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान उस वक्त जो थे उन्होंने कहा था कि इराक के खिलाफ अमेरिकी जो युद्ध है वो गैर कानूनी है, यानी इराक पर जो अमेरिका ने हमला किया था वो एकदम किसी भी तरीके से सही नहीं था। तो ये थी हमारी वीडियो, हो गया हमारा टॉपिक एकदम कंप्लीट। थोड़ी सी देर में ही हम या फिर कल सुबह तक आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी जो कि लास्ट पार्ट होगा इस सेक्शन का, सिविक्स का, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस किया है मैंने और सारा का सारा ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और बने